ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं सोम प्रदोष व्रत की कथा आपको सुनाऊंगी, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सोमवार के दिन जब तिरुसी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। ऐसा मानता है कि शिव जी को सोम प्रदोष करने वाले भक्त अति प्रिय होते हैं। इस व्रत को रखने वाले शिव जी के बहुत ही प्रिय भक्त होते हैं। शिव जी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रत्येक माह के तिरुसी तिथि में संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मानता है कि प्रदोष के समय जब महादेव कैलाश पर्वत के रजत भगवान से इस समय नित्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तमन करते हैं, ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मानता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करके जो भक्त प्रदोष काल में भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त होते हैं, उत्तम स्थान और सुख पाते हैं, जैसे कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। तो चलिए मैं आपको कथा पढ़ के सुनाती हूँ। सोम प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई आश्रदाता नहीं था, इसलिए प्रातःकाल होते हुए अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भीख से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, उसे उसका लड़का घायल अवस्था में कड़ाहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदव का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई, उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती ने के माता पिता ने शंकर भगवान को स्वयं स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया और ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज को पुनः प्राप्त कर लिया। आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने जब ब्राह्मण पुत्री को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन फिरते रहना था। सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।